everyone, welcome to our YouTube channel Nomopathy, and here Samriddhi Sharma is here to guide you. And in this video I am going to discuss Kant grading of symptoms or gradation of symptoms by J.T. Kant. So this is a very important thing that you need to remember for your question papers, as well as while you are going through the repertory you need to know what the gradings mean to you. The first grade, the second grade, the third grade, what does these grades indicate? So if you want to know, be in touch with us from first to last. So let's start the video. So first of all, I would like to tell you the first grade symptom. What is the first grade symptoms? ये हमको पता है कि first grade symptom को हम तीन number से denote करते हैं, ठीक है? Bold, italic और Roman. ठीक है, जो बोल्ड होता है वो होता है फर्स्ट ग्रेड सिम्टम, और तीन नंबर उसके होते हैं. जो इटैलिक होता है वो होता है सेकंड ग्रेड सिम्टम, दो नंबर उसके होते हैं. और रोमन जो होता है वो होता है थर्ड ग्रेड सिम्टम, और उसके एक नंबर होता है. ठीक है, सो ये ग्रेड्स जो हैं वो मैंने आपको बता दी, बट इन ग्रेड का मतलब क्या है, व्हाट डज दीज grades indicate to you, ये आपको पता होना चाहिए. तो सबसे पहले मैं आपको बता रही हूँ first grade का मतलब क्या है. First grade का मतलब है symptoms which are proved by all or majority of provers, यानी कि वो symptoms जो proved किए गए हैं सारे provers के द्वारा. ठीक है, आपने क्या किया, कोई drug proving में कोई drug दी, ठीक है, तो हर prover में या nearly हर prover में वो symptoms appear हुए. ठीक है, और दूसरी बात, रीप्रूविंग जब आपने की तो वो सिम्टम्स कन्फर्म्ड भी हुए. ठीक है, फिर आपने क्या किया, उस दवाई को सिक पीपल को दिया तो वो उसमें भी वेरीफाइड हुए, यानी कि उसमें भी उन्होंने उसको ठीक कर दिया उन सिम्टम्स को. सो दिस इज़ द मीनिंग ऑफ फर्स्ट ग्रेड सिम्टम. फर्स्ट ग्रेड सिम्टम्स दैट आर प्रूव्ड बाय द मेजॉरिटी ऑफ द प्रूवर्स एंड confirmed by reproving and verified clinically upon the sick. So this is the first grade symptom. Now second grade symptom का मतलब क्या है, symptom which are brought by few of provers but have been confirmed and verified occasionally. Symptoms जो कुछ prover में आए, ठीक है, जब आपने drug proving की तो symptoms कुछ prover में ही appear हुए, but जब आपने reproving की तो वो उनमें confirmed हो गए, फिर वो वेरीफाई किया उनको सिक पे, तो ओकेजनली वेरीफाइड हुए सिक के ऊपर. तो ये है सेकंड ग्रेड सिम्टम, मीनिंग सिम्टम्स विच आर ब्रॉट बाय फ्यू ऑफ प्रूवर्स बट हैव बीन कन्फर्म्ड एंड वेरीफाइड ओकेजनली, यानी कि कुछ प्रूवर्स पे ही आए और कन्फर्म्ड भी हो गए बट वेरीफाइड क्लिनिकली जो है ओकेजनली हुए. नाउ थर्ड ग्रेड सिम्टम्स आर द सिम्टम्स विच आर ब्रॉट बाय फ्यू प्रूवर. सिम्टम्स appear now and then the proving, that the symptoms कुछ ही prover में आए और reproving में वो confirmed भी नहीं हुए, लेकिन उनका clinically verification है, यानी कि जब अपन ने उनको दिया बीमारों में तो वो उनमें क्या हो गए, verified हो गए. तो symptoms that are proved by few prover not been confirmed by reproving but have clinical verification, so this is the third grade symptom. और क्लिनिकल सिम्टम्स क्या होते हैं, आई थिंक दैट यू ऑल आर क्लियर अबाउट दिस. क्लिनिकल सिम्टम्स आर दोज सिम्टम्स दैट आर फाउंड ड्यूरिंग द या द सिम्टम्स दैट प्रिवेंट द डिजीज एज नॉट मेंशन ड्यूरिंग द ड्रग प्रूविंग. सिम्टम्स जो मरीज के अंदर ठीक हो रहे हैं उस दवाई से, जो ड्रग प्रूविंग में नहीं आए थे, वो होते हैं क्लिनिकल सिम्टम्स. जैसे कि ब्राइनिया में प्लूरिसी ठीक होती है बट दैट इज़ नॉट रिटर्न ड्यूरिंग द ड्रग प्रूविंग, दैट आर द क्लिनिकल सिम्टम्स. सो आई होप नाउ यू ऑल आर क्लियर अबाउट द फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड ग्रेड सिम्टम्स, हाउ दे आर डिनोटेड एंड वॉट द ग्रेडेशंस एंड वॉट डज दीज ग्रेड्स इंडिकेट. इफ़ यू लाइक इट एंड सब्सक्राइब टू आर चैनल. थैंक्स फॉर वॉचिंग. नो होम्योपैथी.